हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाएं। ग्राम सभा औरैला के प्रधान विजय कुमार यादव ने कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी और उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल एक बहकावा है और उन्होंने कहा कि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, महिलाएं 30-30 लाख का इंतजार कर रही हैं लेकिन 30-30 लाख खाते में नहीं आए। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। देखिए, बीजेपी जो भारतीय जनता की सरकार है या योगी हैं या केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, कितना भी इस बार मेहनत करेंगे, इनके जुमले में जनता फंसने वाली नहीं है और न फंसेगी। अब ये लोग बौखला गए हैं, इस बार अखिलेश की सरकार बनेगी यह निश्चित है। अच्छा, ये बताइए सर, क्या मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी? चुनाव विकास के नाम पर, जो पहले विकास के नाम पर चुनाव करेगी। लोग याद कर रहे हैं कि इसके पहले अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उनके कामों को कोई भी एक लड़का गिना सकता है। इन बीजेपी वालों का कोई काम नहीं गिनती में है, न कोई किसी को याद है इन्होंने क्या किया। जमीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ दिखाई देगा तो झूठ। अच्छा, ये बताइए सर, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी सीएम है भारतीय जनता पार्टी के, फ्री में राशन वितरण कर रहे हैं, तब क्यों भी इतना कितना क्यों नाराज हैं आप लोग? देखिए, 5 किलो गेहूं से कुछ होने वाला नहीं है, 5 किलो गेहूं ये आज का नहीं है, इनके बीजेपी वालों का रखा नहीं गया है। 70 साल से कांग्रेस जो रखी है वो स्टॉक को बेच रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ये भी मार्च तक ही चलेगा। ज्यों चुनाव ख़त्म होगा त्यों ये देखिएगा महंगा होगा, गेहूं नहीं आएगा न 5 किलो कोई क्यों मिलेगा। कुछ महिलाएं कहती हैं चलो जाने दीजिए, मोदी जी तो 500 रुपये खाते में भेज रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? कहाँ किसी खाता में आया, अगर किसी 500 आया है तो 5 बार पाली और मरियाहू दौड़ने में उनका चला गया किराया भाड़ा में, 100 में 10 के आया होगा वही 10 कहेंगी, बकिया 90 तो नाराज़ ही हैं। अच्छा चलिए मान लेते हैं, आपकी ग्राम सभा में समाजवादी पार्टी कितनी वोट पाएगी? कम से कम 600 वोट पाएगी आपकी ग्राम सभा में। इस बार तय बना लिए समाजवादी पार्टी लाना है। जनता भी कह रही थी लेकिन आज प्रधानों भी कहने लगे कि समाजवादी पार्टी सरकार लाना है। जी भाई, हर जात के लोग जो है, लगभग हर जात के वोट और हर जात के पब्लिक जो है, हर जात के धर्म के जो अलग अलग थे, लेकिन इस समय जो है सब नाराज हैं बीजेपी से, सब समाजवादी का इंतजार कर रहे हैं, माननीय अखिलेश का जो है इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव आए और इनको जीता करके राजगद्दी पर बैठाया जाए। अच्छा ये बताइए सर, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को हमेशा सबका साथ सबका विकास करती है, लेकिन क्या आपको लगता है सबका साथ सबका विकास करती है? अरे यही विकास हुआ, कोई आधार लेकर परेशान है, कोई नोटबंदी से अभी तक 30 लाख का इंतजार कर रही है, यही विकास हमको दिखाई पड़ रहा है। अच्छा ये बताइए सर, हमारे चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के वोटरों को क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के हों, इसके अलावा भी जो अन्य पार्टी के लोग भी समाजवादी के साथ रहेंगे। आप किस ग्राम सभा के प्रधान हैं सर? औरैला। क्या नाम है सर आपका? विजय लाल यादव।